का सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम निकल चुके हैं और हम अभी जा रहे हैं घर वापस। मतलब पूछो ही मत, आप देख ही सकते हो कि बारिश हो रहा है यहाँ पे। जब से हम आए हैं तब से तो बारिश ही बारिश हो रही है यहाँ पे, और चारों तरफ तो देख ही सकते हो फॉग ही फॉग है, पूरा बादल से छाया हुआ है। कल जब हम घूमने निकले थे तभी यहाँ पे बहुत फॉग था, बारिश भी हो रहा था, तो मतलब पूरा ट्रिप ये बादल के कारण से। और क्या होता है, बस यही गम है कि कांचनजंगा को एक बार भी दिख नहीं पाया हमें, क्योंकि इतना बादल था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मतलब विजिबिलिटी तो नियर अबाउट जीरो था। सो इसीलिए तो अभी हम जो रास्ता होके हुए जाएंगे वो है डाउ हिल होके हुए, अभी हम जाएंगे कर्सियोंग से फिर सिलीगुड़ी जाएंगे, तो आपको वो भी दिखाएंगे। और क्या भी दिखाएंगे यार, आप तो देख ही सकते हो बादल ही बादल, बारिश ही बारिश। मतलब ऐसा लग रहा है क्या ना कि 100-200 ज्यादा ले लो भगवान पर, ये बादल हटा दो। मतलब सीरियसली यार, पूछो ही मत, जब से आए हैं तब से बारिश बादल ये सब लगा हुआ है। ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे पहाड़ में, जब मन चाहे तब एक बार और पहाड़ आ जाएंगे। अब वेदर के ऊपर तो किसी का भी हाथ नहीं है ना, ये तो इसका मूड है। वेदर का भी ना एक अलग सा स्वैग होता है, जब मन चाहता है इसका आपको देखने देगा, जब नहीं मन चाहेगा नहीं देखने देगा। तो ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा से आएंगे, फिर से आएंगे, बार बार आएंगे, जरूर आएंगे और आपको दिखाएंगे भी। तो फिलहाल आप ये बारिश एंजॉय कीजिए, हिली रोड एंजॉय कीजिए। आपको ये जो आप जगह देख रहे हो ये है नामथिंग पोखरी लेक, और अहोलदारा का जो व्यू पॉइंट था वो अभी बंद है, तो हम इसी में आए हैं। यहाँ पे घूमने लायक तो कुछ है नहीं, बस यही एक लेक है, और चारों तरफ आप देख सकते हो कोहरा ही कोहरा है। सो कल से जो बारिश स्टार्ट हुई है ना, भयंकर वाली बारिश कल से हो रहा है अभी। चलिए फिर यहाँ से जाते हैं और देखते हैं। नजारे देखो यार, चारों तरफ बादल ही बादल है, बस बादल ही बादल है चारों तरफ। मतलब सीरियसली ब्रो, एक घंटे के लिए भी अगर ये बादल हटता ना तो हमें कंचनजंगा का व्यू नजर आ जाता, बट ये सारा बादल हट ही नहीं रहा था 3 दिन से। मतलब जब से हम आए हैं ना भागलपुर से, मैंने जब से आपको बताया था कि हम भागलपुर में हैं, अभी थोड़ा बारिश हुआ है, तब से बारिश ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। और जब हम यहाँ पे आ रहे थे ना रात को 3:30 बजे, तब भी साला बारिश हो रहा था, और देखो स्टिल नाउ यू कैन सी अभी भी बारिश हो रहा है। क्या है, मतलब हद है यार। पर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस रूट से हम ऊपर आए हैं ना, उस रूट से 3:30 बजे रात को कोई भी टूरिस्ट बाइक लेके मुझे नहीं लगता कि उतने रात को आज तक आया होगा। गुरु दमवार का रास्ता ना उससे बहुत आसान है। अगर आप इस रूट पे एक बार आए हो ना, मतलब ये जो काली छोड़ा डैम से जो लेफ्ट साइड तक आता है, लेफ्ट साइड से जो आता है यहाँ तक,
अगर इस रूट पे आप एक बार ड्राइव कर लोगे ना तो गुरुद्वारा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं लिख के देता हूँ, अगर ये रास्ता कोई आ गया ना तो उसके लिए गुरुद्वारा कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ टाइम में ऐसे हो रहा था कि हम जो होम स्टे में ठहरे थे, शिवालिक होम स्टे, घर की खिड़की की खिड़की जब हम खुल रहे थे ना तो बादल जो है खिड़की से अंदर आ रहा था, रूम के अंदर आ रहा था। मतलब इस वेदर का भी एक अलग सा मजा है, पर गम इस बात का है कि कांचनजंगा हमें एक बार भी दिखाई नहीं दिया। पोचू स्लीप देखे है? सो ये जो आप जगह देखने वाले हो इसका नाम है छोटा अहल, यानी कि अहलदारा का ये एक छोटा व्यू पॉइंट है। यहाँ से भी ना कंचनजंगा का बहुत बढ़िया दिखाई देता है यहाँ से। फिर भी आपको तो पता ही है कि चारों तरफ का क्या हालचाल है। हाँ, पूरा बादल ही बादल था, फिर भी हमने एक छोटा मोटा ट्रेक करके गए थे हम दोनों ने कि शायद कुछ दिख जाए शायद, और जो दिखा वहां से वो कुछ ऐसा था। सुनो, एकदम ध्यान से सुनो, कोई कुछ बोल रहा है। ध्यान से सुनने की कोशिश करो, बात भी ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। अगर एक बार में नहीं सुनाई दे तो बार बार आओ और सुनने की कोशिश करो, बिकॉज नेचर ऑलवेज वेयर्स द कलर ऑफ द स्पिरिट।
तो कुछ यही था हमारा इस बार का सफर। और हाँ, मुझे पता है कि हम पहाड़ गए थे और आपको पहाड़ी नहीं दिखा पाए। देखो, अब इसमें हमारी तो कोई कसूर नहीं है ना, क्योंकि वेदर नहीं सारा साथ नहीं दिया, तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैं जो सोच रहा हूँ ना कि एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर ना फिर से एक बार मैं गुरुदोंगमार अगर निकल जाऊं तो अच्छा रहेगा। यानी कि एक्सट्रीम विंटर में अगर गुरुदोंगमार किया जाए तो अच्छा रहेगा। पिछली बार मैं जब गया था वो शायद अप्रैल और मई था, 2019 का अप्रैल और मई था। तो इस टाइम मैं सोच रहा हूँ कि विंटर में एक बार गुरुदोंगमार करूँ तो वो अच्छा रहेगा, थोड़ा एडवेंचर भी होगा और आपको भी दिखाएंगे। एंड आई होप कि इस बार जो वेदर है वो हमारा साथ देगा। तो देखो, बात कुछ यही है। और आते टाइम दिखाने लायक कुछ था नहीं, क्योंकि हम रात को ही मैं घर वापस हो गया था। पर मैं ना आपको एक बार दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप ना एक बार मॉनसून में दार्जिलिंग या फिर डाउहिल, कार्शियांग, ये सब साइड ना एक बार घूम के आओ, आपको ना उस जगह से सीरियसली प्यार हो जाएगा। क्योंकि वहाँ का भाई भी इतना अच्छा रहता है ना, पूरा चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी होता है। और अगर वीडियो को यहाँ तक देख ही लिए हो तो पता है क्या करना है, एक लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कमेंट कर दो, कुछ भी कर दो, बस जो मन चाहे आपका करो, ठीक है। तो और क्या, अभी मैं नेक्स्ट वीक में एक और राइड पे निकलने वाला हूँ, जो कि है यहाँ मेरे घर से 300 किलोमीटर के आसपास। अभी कहाँ जा रहे हैं ये तो अभी बोलेंगे नहीं, पर 300 किलोमीटर के आसपास है। तो एक ही दिन का राइड होने वाला है, आज ही जाने वाले हैं और आज ही शाम को सुबह, यानी कि सुबह जाने वाले हैं और शाम को आने वाले हैं। सो देखते हैं, जगह तो अच्छी है, मेरी तो पसंद आई है, एंड आई होप कि उस जगह भी आपको, आप लोगों को पसंद आएगा। सो टिल देन, राइड सेफ एंड यूज हेलमेट।